पीटी ने कहा सूरत हाल ऐसी बन गई थी कि पबजी मुअत्तल करना पड़े। गाइज अगेन आपको रिपीट कर देता हूँ, हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इसके ऊपर डिटेल सबमिट करवाएं। हाईकोर्ट ने कतन ये नहीं कहा था कि इसको बैन किया जाए, पीटीए ने एक स्टेप फॉरवर्ड लिया और इस गेम को उन्होंने बैन कर दिया। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह पीटीए ये गेम खोल देगा राइट नाउ, क्योंकि पीटीए ने जो कंप्लेंट्स उनको मौसूल हुई थी उसकी बेस के ऊपर इस गेम को ब्लॉक किया था, और इंशाल्लाह पीटीए इस गेम को एज सून एज पॉसिबल गाइज उम्मीद ओपन कर देगा। और जस्टिस साहब ने जिन्होंने ये डिसीजन लिया है गाइज, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो फैसला उन्होंने महफूज किया उस फैसले के अंदर यही होगा कि इस गेम को एज सून एज पॉसिबल जो है गाइज ओपन कर दिया जाए, ताकि इसके अंदर जो फ्री स्टाइल हमारी जो ई स्पोर्ट्स की टीम है वो हिस्सा ले सके, ई स्पोर्ट्स टीम जो है पार्टिसिपेट कर सके, जो PMWL लीग चल रही है उसके अंदर वो प्ले कर सके और हमारे पाकिस्तान का फ्लैग जो है उसको रिप्रेजेंट करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करे। और उम्मीद करता हूँ गाइज सारे के सारे आप लोग भाइयों से कि पबजी इंशाल्लाह आज खुल जाएगी और ऑफिशियली इसकी अनाउंसमेंट अभी थोड़ी देर में हो जाएगी। प्लीज सारे वीडियो को लाइक करें और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड्स क्या हाल आप लोगों का, तो आप देख रहे हैं अदील गेमिंग की न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पबजी हम बैन होते हुए भी किस तरह खेल सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं। तो पहला तरीका यह है कि हम इसको मोबाइल पे खेलें और वाईफाई ऑन करके खेलें। तो दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ कि आपको पबजी चलानी है तो जोंग वाली सिम ले लो, ठीक है, जोंग वाली सिम पे पबजी चलती है। तो आते हैं वीडियो के दूसरी तरफ जिसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पबजी जो है ये अनबैन होने के चांसेस ज़्यादा ही हैं, 90% चांसेस हैं पबजी अनबैन हो जाएगी जल्द। और इसमें वकार जक्का भाई की एफर्ट्स बहुत ही अलग किस्म की हैं और भी जितने भी यूट्यूबर हैं जैसे डक्की भाई और जलमी गेमिंग और भी जितने भी हैं सारे, उनकी एफर्ट बहुत ही अच्छी हैं और भी अभी एफर्ट चल रही हैं। और वकार जक्का ने तो कह दिया भाई जब पबजी अनबैन नहीं हो जाती तब तक मैं इसकी कोशिश करता रहूँगा। लोग जब बार दफ़ा मुझे जज कर रहे होते हैं ना कि अभी तक काम क्यों नहीं हुआ, वीडियोस पे वीडियोस बना रहे हो, तो क्या करें, यहाँ कोर्ट में जुडिशियल सिस्टम मेरा अपना है, मेरे हाथ में है, मैं आके लड़ सकता हूँ सिर्फ यहाँ। बाकी आप लोगों की दुआएं चाहिए जी, आ गए हैं कानून, देखें क्या कहता है आज। मैं बहुत होपफुल हूँ, जब वादा कर लिया है कि अनबैन कराना है तो अनबैन करा के छोड़ेंगे, लड़ेंगे जरूर। खान साहब से हमें पूछना है, इनको टैग कर दें इमरान खान पीटीआई पे, सर आपकी राय क्या है? बहुत ही एहतराम के साथ भाई, हमारा हक है, हम पूछ रहे हैं आपसे, सर आपकी पबजी के बारे में राय क्या है? ये जितने लोग भी देख रहे हैं ज़रा पूछते जाएं, सो दैट हमें पता चलता जाए। जो भी चैट आपकी आ रही है यहाँ पर, अब जो हैश इमरान खान पबजी, अब ये ट्रेंड चलाना बहुत ज़रूरी है भाई, ये अपने जहन में बिठा लें, ये एक दिन का मसला नहीं है। वो जो लोग आके बोल रहे हैं ना वीडियो पे वीडियो बना रहे हैं, कुछ हो क्यों नहीं रहा भाई, सुबह के 6 बजे उठे हुए कोर्ट जाएंगे, जो लोग कोर्ट आते थे मेरे साथ उनको पता है पेटिशन एडमिट होने में कभी कितना मसला आ रहा है। तो इस तरह जी ट्वीट जो है ना, ये आपने लाजमी तौर पे हैश इमरान खान पबजी, ये नया ट्रेंड है, ताकि हम इमरान खान साहब से उनकी राय ले सकें कि वो क्या कहते हैं, सर उनकी राय क्या है, वो इस बारे में क्या, उनकी कुछ ना कुछ राय तो होगी ना, उस राय के हवाले से हम बात करना चाहते हैं, इसमें कौन सी गलत बात तो नहीं है। तो दोस्तों पबजी बैन हुई क्यों, इसकी भी रीज़न थी वो उन्होंने बताई है, जो कि बहुत झूठी थी कि पबजी है जो क्या नाम है उसके ग्राफिक बहुत ही ऐसे हैं जो कि लोगों को माइल करते हैं जो अपनी तरफ, तो ऐसे इससे तो अच्छे बहुत सारे ग्राफिक और भी हैं जो कि गेम चल रही हैं, तो उन पे भी लोग गेमिंग करते हैं, उनके अच्छे सब्सक्राइबर्स भी हैं, तो पबजी की वजह से लोग बहुत सारे लोग बेरोज़गार कर रहे हैं, पेड़ पा रहे हैं पबजी की वजह से गेमिंग करके, तो आखिर मेहनत करने में वक्त तो गंवाना ही पड़ता है, तो पबजी खेलोगे तो वक्त तो जाएगा ही, ये आप कह रहे हैं पबजी टाइम वेस्ट हुई है, तो टाइम वेस्ट करके तो हार्ड वर्किंग बंदा परेशान बनता है। उसके बाद दूसरी बात तो वो हो चुकी है कि पबजी के ग्राफिक वाली और भी बातें की गई थी पबजी के बारे में कि इससे लोगों ने सुसाइड की हैं बहुत सारे लोगों ने, तो कल ही परसों न्यूज़ आई है भाई VPN लगा के मौत हो गई है पबजी की, वो सुसाइड कर ली है, तो
उसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि सुसाइड की वजह पबजी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके ऊपर और भी डिप्रेशन होंगे। एक ही पबजी में क्या चीज़ है, ये कोई ब्लू वेल थोड़ी है जो इसमें कट लगा के वो खेलने वाली गेम है। इसमें भी आप, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिससे आप मतलब सुसाइड कर लो। आप आगे लगने वाली है पबजी पे पाबंदी। जिन लोगों को नहीं पता कि हमारी गवर्नमेंट जो है पबजी बैन करने लगी हुई है, तो उसमें मैं कुछ अल्फाज कहना चाहूंगा। किस पुतिये का आइडिया है कि हमारे बच्चों में एग्रेशन आ गया है तो पबजी बैन कर देनी चाहिए। एक्चुअली इसका जो फीचर्स हैं, इस गेम के जो ग्राफिक्स हैं, वो इस नेचर के हैं कि बच्चे खुद ब खुद इस गेम की तरफ इतना माइल हो जाते हैं। यहीं से तुम लोग इनकी गेमिंग नॉलेज का अंदाजा लगा सकते हो। ग्राफिक्स ऐसे हैं कि बच्चे इसकी तरफ मियाल होते हैं। पैंट डोरा द एक्सप्लोरर के ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स है पबजी मोबाइल से। इन्होंने बैटलफील्ड और रेड डेड जैसी गेम्स देखी है नहीं, और पबजी मोबाइल के ग्राफिक्स अच्छे हो गए, बच्चे मियाल हो रहे हैं। पुत्र कभी वॉर जोन खेल के देखो, पता लगे ग्राफिक्स होते क्या है भाई। बाप बच्चे को मारता हो, स्कूल में टीचर डंडे मारता हो, सोसाइटी के चुतिया पे अलहदा, बाहर दोस्त उसको जलील करते हो, बस बच्चा पैदा करके फेंक दो, ये चीजें नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं करती, लेकिन एक मोबाइल गेम जरूर करती है। सोशल रिलेशन पर अपने वालदैन के साथ इंटरेक्शन, उनके साथ ताल्लुक बरकरार नहीं रख पाते। कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? आई डोंट लाइक पबजी। मुझे लगता है कि इस गेम में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आती। स्लो पेस्ड गेम है, लैग किस्म के मैकेनिक्स हैं। पूरा सीजन वेट करो कि भाई कुछ नया आएगा, और जब सीजन आता है नया, तो आता क्या है भाई, पावर रेंजर्स की स्किन निकाल के लॉलीपॉप मुंह में दे देते हैं कि भाई ये लो हमारा नया सीजन। जबकि आप बाकी गेम्स देखो, फोर्टनाइट वगैरह, उसमें जो अपडेट्स आते हैं भाई माइंड ब्लोइंग, मजा आ जाता है। लेकिन एक चीज है, पबजी मोबाइल की वजह से जितने यंग बच्चों का करियर बना है, यंग स्ट्रीमर्स का, प्रोफेशनल कंपेटिटिव प्लेयर्स का, इनका पूरा करियर ये एक गेम पे बेस करता है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यही टीनएजर्स किसी हार्ड वर्किंग 4 GPA टॉप नॉच यूनिवर्सिटी से पढ़ के आने वाले से ज्यादा कमा रहे हैं, और उनसे ज्यादा इज्जत भी है। और मैंने भी पैसे कमाए हैं भाई पबजी से। खुद गवर्नमेंट कहती है बाहर से डॉलर लेके आओ, अब जब डॉलर लेके आ रहे हैं तो पबजी बैन कर दो। वाह भाई, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, अब तक के लिए टेक केयर, बाय।